नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौधरी। राज्य शासन ने इस वर्ष भी 19 से 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। आयोजन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने विभाग अध्यक्ष और कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। सप्ताह के आयोजन के दौरान आदर्श आचरण संहिता का ध्यान भी रखने को कहा गया है। सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन विशेष कार्यक्रम होंगे। बुधवार 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन राष्ट्रीय एकता पर केंद्रित सेमिनार और परिचर्चा के आयोजन होंगे। इनके विषय सांप्रदायिक सद्भावना और अहिंसा होंगे। गुरुवार 20 नवंबर को अल्पसंख्यक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बीपीएल अपात्र कार्ड धारकों ने गलत जानकारी देकर लाभ प्राप्त कर लिया है तो उनसे वसूली की जाएगी। गलत तरीके से बीपीएल कार्ड बनाने और लाभ देने पर कार्रवाई भी होगी। कलेक्टर निशान वरवड़े ने आज टीएल बैठक में अपात्र बीपीएल कार्ड धारकों के संबंध में जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र परिवारों के बीपीएल कार्ड बनने चाहिए और योजनाओं का लाभ उन्हीं को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने गलत तरीके से बीपीएल कार्ड बनवाकर लाभ प्राप्त किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। प्रदेश में इस वित्त वर्ष में जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 14 करोड़ 25 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। शत प्रतिशत जैविक खेती करने वाले ग्रामों को मुख्यमंत्री खेत तीर्थ के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष 10 जैविक ग्राम पुरस्कृत करने का निर्णय भी लिया गया है। प्रत्येक संभाग से एक जैविक ग्राम चयनित करना प्रस्तावित है। ये जानकारी मुख्य सचिव एंटोनी डीसा की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में दी गई। मुख्य सचिव डीसा ने प्रदेश में जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। प्रदेश के 16 जिले में जैविक खेती प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने विद्यार्थियों और महाविद्यालय के स्टाफ से अपील की है कि महाविद्यालय परिसर को कचरा मुक्त रखें। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय परिसर के साथ ही घर के आसपास भी पॉलिथीन और अन्य कचरे को जमा नहीं होने दें। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि अपने घर और महाविद्यालय के कचरे का निष्पादन उचित ढंग से करवाए। इसमें परिवेश और पर्यावरण शुद्ध करने के साथ ही एक आदर्श नागरिक का दायित्व बोध भी जागृत होगा। गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ परिवेश ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेगा। गृह और जेल मंत्री बाबूलाल गौर ने डीजीपी से कहा है कि नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी गंभीर मामला है। बच्चों के गायब होने में अपहरण करने वाला कोई गिरोह तो सक्रिय नहीं है, इस दिशा में भी जांच की जाए। गौर आज निवास पर पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र सिंह से चर्चा कर रहे थे। गौर ने कहा कि प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के लड़के लड़कियों के गुम होने के पीछे के कारणों को जानना जरूरी है। ये तभी होगा जब तेजी से तलाश कर इन बच्चों को खोजा जाएगा। इससे ये भी साफ होगा कि बच्चों को गायब करने में किसी अपहरण करने वाले गिरोह का हाथ तो नहीं है। बच्चों के गायब होने पर हर हालत में रोक लगना चाहिए। एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए emstv.in के साथ। नमस्कार।